अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? तबीयत सब ठीक है? मैं आ गया हूँ 3 दिन बाद दोबारा व्लॉग बनाने। और यार एक तो रेगुलर व्लॉग नहीं बनता मुझसे, और हम के जाते नहीं हैं। आज हम जा रहे हैं बहुत दूर, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चल के, पैदल चल के जा रहे हैं कचनार पार्क। पता नहीं किधर है, मैं नहीं गया। और अभी दुल्हा भी आ रहे हैं सामने, फिर उनके साथ चलते हैं कचनार पार्क और पैदल ही जाएंगे बस हम ना बाइक पे। बाइक वैसे भी फहीम और उमेर भी ले गए हैं कहीं कहीं, और अभी हम पैदल जाएंगे। अभी बाहर खड़ो और आ रहे हैं अब्दुल्ला भाई सामने, और माहौल देखें, बल्कि भाई माहौल नहीं आखने बस, और व्यू चेक करें। मजे का व्यू है, और हल्की हल्की धूप भी है, तो टाइम हो रहा है कम से कम 3:30 या 4 हो रहे हैं, असर के सामने आने वाली हैं। गर्मी हल्की हल्की है ज़्यादा। आज के बाद इंशाल्लाह व्लॉग मेरा अक्सर आएगा है दूसरे दिन, और हो भी होगा भी बहुत बड़ा सारा, 5-6 मिनट का होगा या फिर 10-12 मिनट का इंशाल्लाह बनाएंगे आज व्लॉग, क्योंकि मेरा वाच टाइम नहीं पड़ रहा यार। क्योंकि एक बस वीडियो जाती है, कुछ व्यूज़ आते हैं और बंदे कुछ बस वाच टाइम ज़्यादा होते हैं, वाच टाइम नहीं पड़ रहा, इसलिए आज के बाद मैं व्लॉग बहुत बड़े बड़े बनाऊँगा। अच्छा तो गाइस, मुझे तो अब पता चला है कि बिलाल भी उधर ही बैठे हैं पार्क में, और हम वापस उनके साथ आएंगे, इसीलिए हम उधर बैठे पाए हैं। वो पता नहीं वैसे ही गए हुए हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमें कि तुम लोग भी आ जाओ, इसलिए हम उधर ही जा रहे हैं। ये देखें जी पहाड़, और ये है पहाड़ी मस्जिद। इधर उसी नमाज पढ़ने आया था कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। ये पहाड़ को काट के रोड बनाया गया मुझे लगता है, इधर ही पहाड़ है इधर ही पहाड़ है, बता दरमियान में से रोड ऐसे जा रहा है। फिर आगे है एक झील है, अभी आपको झील दिखाता हूँ सामने। झील है बिलाल सामने झील है, अभी ना आपको झील दिखाता हूँ, उसके बाद पुल फुल भी है, और इतने मज़े की बस छू करके ऐसे पानी बह रहा है उसके अंदर से झील में। ये देखें जी झील यहाँ से आ रही है, और सामने पुल है, फिर ऐसे आयर को गुजार के चलती है, फिर सामने IGP स्टेशन के पास से होती होती फिर आगे दरियाए नील में गिर जाती है। ये देखें झील, झील में पानी इतना साफ सुथरा है कि बस क्या बताऊं। 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। ये देखें जी झील, सैफुल मलूक झील, चंगी है। ये देखें जी झील, और इसमें पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, और वहाँ से निकल रहा है। अभी हमने 5 से 6 किलोमीटर और दूर जाना है, जहाँ की उन्होंने हमें लोकेशन सेंड की है ना, कचनार पर। बाकी माशाल्लाह व्यू बहुत खूबसूरत है यार, मैं पहले पैदल नहीं आना इतना दूर। व्यू देखें जी सामने पहाड़ों का, अभी हम बस उसके पास पास ही जाएंगे शायद, है ना, उसके नाल ही जाएंगे, और बाकी घर चेक करें यार। ये I8 मरकज़ है ना, मरकज़ के साथ साथ ये गाइस मस्जिद चेक करें। ओ यार सामने से धूप आ रही है, कम हमने इधर जाना है, और इधर सामने धूप आ रही है, नज़र नहीं आ रही होगी यार। ये बहुत मशहूर मस्जिद है, रहा मुझे इसका नाम नहीं आता। सामने पहाड़ वगैरह भी हमारे सामने आ गए, शायद आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हमें नज़र आ रहे हैं। ये झील का एक पानी इसमें गुजरता है। बाकी यार यहाँ के रोड देखिए, कसम से रोड देखने में जो मज़ा आता है ना, मज़ा वो किसी चीज़ में नहीं आता, जो रोड देखने में मज़ा आता है। देखें साफ सुथरे रोड, सफेद चेक करो, सारे इलाके अलग पीड़े से रहता है, चेक करो, अगर सारे इलाके अलग पीड़े से रहता है देखने सफेद हैं। ये पंजाब देख सफेद हो सी, इवें नहीं था पता हो सी, जे सारे इलाके अलग पीड़े से पे रहता हूँ। क्या माहौल है यार, अस्सलाम वालेकुम, जरा कुल्फी नहीं खाना बने। अभी हम छाँ पर चल रहे हैं,
कुल्फी बड़ी मज़ेदार, खोए मलाई वाली कुल्फी। मर्सिडीज चेक करो, 1966 मॉडल दी, जिसका तत्ला नीचे लग रहा है। ये सामने मर्सिडीज 1966 मॉडल, अब सही मज़ेदार कुल्फी, खोए मलाईदार जक्की वाली कुल्फी, कुल्फी कुल्फी। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पार्क, और ये कुछ माहौल है, और यहाँ पे सारी छाँ है। अभी आपको जाके दिखाते हैं, और हम बहुत थक चुके हैं, एक पसीना आ गया है ऊपर से सिर में, और वह पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे जाके छाँव पे बैठते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट मेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और भी माहौल जो होगा इसके अंदर। है खैर, ग्रीनरी फुल फुल है, सारे दरख्त मेरा। यार ये पार्क बहुत बड़ा है सच्ची में, और ये देखें ये सामने यूनिवर्सिटी है फेडरल, पता नहीं कह दी है किसी की होगी, और इधर बेंच भी पड़े हैं बांधने के लिए। लेकिन अभी हम जा रहे हैं कूलर वाली साइड पे, उतरे उतरे गिलास पानी दे बुढ़े ने आए वहाँ तक घूम लेते हैं। ओ बिलाल गोदा भाई सामने आगे, यार माहौल है, दरख्त चेक करो। आज यार मौसम ठंडा ही कहानी, गर्म ही कहानी, बाहर के लिए अगली हवा है, बने बने पैर पलाव इंशाल्लाह। ये देखें जी साइकिल है, ये बाइक की साइकिल है, क्या साइकिल है, 1965 के दौर की साइकिल है। बाकी ये विकाल भाई ठंडा है पानी, तो ये पानी हमने पी लिया, और ये खड़ा ब्याह गए अपने का, ये एंट्री गेट है इसका, अभी हम वहाँ बैठते हैं। बाकी यार यहाँ का भी अच्छा व्यू है, माहौल शोल साफ सुथरा, सफाई तो बहुत है, देखो रात के यार फूल चक्कर दे पत्रे देखो एक बार। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं किसी और जगह चलते हैं, बिलाल भाई वाले मोटरसाइकिल पे, अभी देखते हैं पता नहीं किधर जाना है। यहाँ बैठ भाई मतलब बोर हो गया है, अभी यहाँ पे खड़ा है बाइक उठाते हैं, फिर किसी और जगह चलते हैं, फिर उधर ही जाके आपको दिखाएंगे। अभी हम एक और पार्क में पहुँच गए हैं, ये पता नहीं कौन सा है, और सामने घर देखें। यहाँ पर तो ऐसा बाइकों की जगह भी है खड़े करने की, और रास्ता तो ना पथरीला है, वाक करूँ वाली गाइस। मेरा तो साँस चढ़ गया है, मैं भाग ही नहीं सकता, और ये जा देखें यार ये मज़े का रास्ता बना हुआ है, अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, और अब्दुल्ला भाई कहीं जा रहे हैं अपने सीआर के पास, और यहीं पे करते हैं व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू लाइक कर दीजिए मेहरबान।